हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम क्लास सेकंड को पढ़ने वाला हूँ, उसका पार्ट्स वर्डपैड का, जो हम कल वर्डपैड पढ़ रहे थे और वर्डपैड को हमने ओपन किया था, तो हम इससे आगे शुरू करेंगे। तो वर्डपैड विंडो ओपन, जब हमारा वर्डपैड विंडो ओपन होगा तो कैसे ओपन करते हैं, हम पहले वीडियो में आपको दिया है। लुक एट द पार्ट ऑफ द वर्डपैड विंडो, चल हम वर्डपैड विंडो के कुछ पार्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहला वर्डपैड बटन शो अ मेन्यू ऑफ ऑप्शंस, तो ये आप उसका बटन जो है कर्सर अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन फ्रॉम वेयर आर स्टार्ट टैपिंग टेक्स्ट। तो यहाँ पे छोटे से लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, इसको हम कर्सर कह जाते हैं। ठीक है, जब भी हम टाइप करते हैं तो ये आगे जाते हैं, इसके जरिए टाइप किया जाता है। क्लोज बटन क्लोज वर्डपैड, तो ये हमारा जहाँ पर क्रॉस दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्लोज बटन से या क्लोज वर्डपैड भी कह सकते हैं। रेबन, जैसे इस सारी चीज को हम रेबन कहा जाता है, जिसमें आपको डिफरेंट कमांड शो करते हैं वर्डपैड का। टेक्स्ट एरिया हो गया जिसमें हम टाइप करते हैं। ठीक है, तो टाइपिंग इन वर्डपैड क्या है, तो सब पेज नंबर 44 पे आ जाइए। तो टाइपिंग इन वर्डपैड वी टाइप टेक्स्ट आर फॉर एग्जाम्पल लेटर्स स्टोरीज एंड पॉम्स, वी टाइप टेक्स्ट, जब हम टेक्स्ट को टाइप करना हो, एग्जाम्पल जैसे लेटर लिखना, स्टोरीज लिखना, पॉम्स लिखना, टेक्स्ट एरिया पे द टाइप टेक्स्ट अपियर इन ब्लैक, तो ये टाइप टेक्स्ट जो है ना ब्लैक होगा। वी कैन ऑल्सो टाइप इन डिफरेंट कलर, तो इसको आप अलग कलर्स में आप लिख सकते हैं यूजिंग द टेक्स्ट कलर ऑप्शन इज वर्डपैड, जैसे आप टेक्स्ट कलर यूज करके। ठीक है, तो इसके बाद टाइपिंग इन कलर क्या होता है, टू टाइप इन कलर इन द वर्डपैड, जब हम वर्डपैड पे यानी कलर लिखना हो, जैसे कि हम टेक्स्ट को कलर में लिखना है, तो उसको हम इस तरह हम कर सकते हैं। जैसे तो इस स्टेप्स को आप लेके जाओ, सबसे पहले कलर भी क्लिक कर दो। ठीक है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द टेक्स्ट कलर बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर क्या होगा, वहां से द कलर बॉक्स, वहां पे कलर बॉक्स ओपन होगा। फिर इसके बाद क्लिक ऑन द कलर ऑफ योर चॉइस, तो आपकी चॉइस से आप यहाँ पे कलर लगा सकते हैं। फिर इसके बाद क्लिक ऑन द टेक्स्ट एरिया, तो आप टेक्स्ट एरिया पे क्लिक कर दो। टाइप यूजिंग द कीबोर्ड, आप कीबोर्ड को यूज कर दो, तो आप कलर पहले ब्लैक था, आप जैसे आप रेड रखोगे तो आप रेड में आएगा, ग्रीन रखोगे तो आप ग्रीन में आएगा, जो आपके कलर चॉइस किया उसके हिसाब से आपका कलर आ जाएगा टेक्स्ट पे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा सेविंग इन वर्डपैड को कैसे सेव करना है। जैसे कि आपको ये भी सवाल होते हैं, भाई अगर मुझे ये टाइप जो वो कलर नहीं रखना है तो मुझे क्या करना होगा, सेम टू सेम अगर आपको कलर नहीं रखना होगा तो आप फिर उसको वापस आपको क्लिक करना है, फिर अपने टेक्स्ट कलर में, फिर वहां से आपको कलर नन करना है, जो नहीं रखना हो तो ऊपर नन का ऑप्शन आता है, वहां क्लिक करते हैं आपका कलर, वहाँ इसके बाद नेक्स्ट आपका टेक्स्ट कलर नहीं होता। थैंक यू।